हे गाइस, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बजट फ्रेंडली और रेंटल फ्रेंडली DIY करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये डिस्पोजेबल प्लेट जो हम सभी के घर पे आसानी से मिल जाता है, और फिर है मेरे पास जो हम लोग बाहर से खाना मंगाते हैं उसके जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं उसके लिड। इसके साथ साथ हमें चाहिए ये एक रोप। रोप आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटा या पतला ले सकते हैं। फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स ऑफ योर चॉइस, फेविकॉल, जेसो एंड पेंट ब्रश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लेट पे जेसो अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जेसो एक्ट एज अ प्राइमर। ये आपके कलर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखता है। इसके बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब मैंने लिया है ये पिंक एक्रेलिक कलर और इससे मैं एक बेस कोट करूंगी। रेडी हो चुकी है और इसको सूखने दिया है मैंने। सूखने के बाद मेरे पास एक स्टेंसिल है जो मैंने आपके साथ अपने लास्ट वीडियो में शेयर करा था। इसकी हेल्प पे मैं इस पर एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। स्टेंसिल को हम अच्छे से रखेंगे। आप चाहें तो इस पर मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका साइज छोटा ही है ये प्लेट में अच्छे से फिट हो गया है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी ये गोल्डन येलो कलर, और अभी मैं धीरे धीरे इस पर पेंट करना स्टार्ट करूँगी। जब आप इस पर पेंट करें इसको साइड से अच्छे से होल्ड कर लीजिए, जिससे कि ये ऊपर ना उठे और आपका पेंट अच्छे से हो जाए। इस पे आप अपनी पसंद से कोई भी फ्री हैंड डिज़ाइन बना सकते हैं, बट क्योंकि मैंने स्टेंसिल का यूज़ नहीं करा था तो आई थॉट इसको यूज़ किया जाए। अब इसे धीरे धीरे निकालिए और ये देखिए कि कितने अच्छे से इस पे ये प्रिंट हुआ है। अगर आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे ये ओवरलैप हो रहा है तो आप इसको पेंसिल की हेल्प से या फिर आपके पास अगर टूथपिक है उसकी हेल्प से कलर को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। ये प्लेट हमारी बिल्कुल रेडी है और इसको आप डबल साइडेड टेप से या मास्किंग टेप से अपने वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम लेग पे ये फेविकोल लगाएंगे थोड़ा सा। अब ये जो रोप है इसको पहले मैं हाथ में लेके राउंड एक सर्कल बनाऊंगी, उसके बाद इसे निकाल के फिर हम इसको इस पर स्टिक करेंगे। क्योंकि ये रोप बहुत पतली है इसलिए मेरे को इस पर हाथ में सिर्फ पहले फोल्ड करना पड़ा। अगर आपके पास थोड़ी मोटी रोप है वो डायरेक्टली इस पर स्टिक हो जाएगी, बट एज आई सेड अर्लियर क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइन बनाना था तो रोप इस पर थोड़ा पतला हो तो ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से आएगा। Thank you.
तो गाइज ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने बाकी के दोनों लिड्स पे भी रोप से वर्क कर लिया है और अब हम इस पे कलर करेंगे। इसके लिए मैंने अगेन लिया है फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर। कलर और डिज़ाइन आप अपने चॉइस से कर सकते हैं, मैंने इस पे फ्री हैंड का डिज़ाइन बनाया है। दीज आर नाउ रेडी। यहाँ पे मैंने साइड में ऑरेंज कलर से भी कलर किया है एंड इट्स रियली लुकिंग वेरी नाइस। इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको अपने घर पे एज अ कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आउटकम कैसा आया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। Stay tuned for more videos. Bye.